हेलो हनी बनीज, व्हाट्स अप, क्या हाल है तुम सबके यार। जब भी मैं मिस्टर मीमर वाले चैनल पर वीडियो प्रीमियर करता हूँ ना, तुम लोग रिया 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 स्पैम करने लग जाते हो। मत किया करो ना यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताई जाए। तो आज मैं तुम्हें अपने पहले रिलेशनशिप, मोर लाइक रिलेशनशिप और ब्रेकअप की स्टोरी सुनाऊंगा। प्रॉमिस करो कि कोई रोएगा नहीं पूरी वीडियो देखने के बाद। तो आओ सुनाऊं प्यार की पूरी कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की थी। ब्रा। देखो कहानी खत्म होती है हाई स्कूल में और शुरू होती है थर्ड क्लास में, जब मैंने उसे पहली बार देखा था। तो जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, मेरे को पता नहीं था ये लव वव इश्क विश्क प्यार व्यार क्या होता, बट देखते ही मेरे को अट्रैक्शन फील हुआ यार। अभी तक ब्याह नहीं हुआ। मैं पानी पानी हो गई। ये 2013 या 14 की बात होगी, जब मैं हार्डली 7 साल का था। तो फीलिंग्स वगैरह का तो पता नहीं था, बस मेरे को उसे सारा दिन ताड़ना पसंद था, उसकी सराउंडिंग में रहना उसकी कंपनी पसंद थी, उससे बातें करना पसंद था। तो एक दिन मेरा पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं था, तब टीचर ने मेरे को सजा दी थी लड़कियों के साथ बैठने की। अब देखो बाहर से तो मैं बड़ा दुखी लग रहा था, रोने वाली शक्ल हो रही थी, बट अंदर से ना मैं उतना ही ज्यादा खुश था। देट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद हर। फिर मेरे को उसका नाम वगैरह पता लगा एंड वी बिकेम नॉर्मल फ्रेंड। इट वॉज थर्ड क्लास, ठीक है, तो ज्यादा कुछ आता नहीं था मुझे उस टाइम। इन्हीं हरकतों में थर्ड और फोर्थ बीत जाती और फिर आती है फिफ्थ क्लास। भाई इसमें मैंने क्या ही क्रिंज हरकतें करी है भाई, एक नंबर का घंटे निब्बा बन गया था भाई मैं। बाबू थाना था लिया आपने? पहले उसको देखना, फिर बोर्ड की तरफ देख के अपने दोस्त को बोलना कि भाई तू देख के बता वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है। हर दूसरे तीसरे दिन उसको चॉकलेट्स देना, नोटबुक के लास्ट पेज पर नाम लिखना, जब टीचर उसको डांट लगाए तो खुद बुरा फील करना। भाई उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने गाने तक गाए हैं यार। अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ के बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया एंड आई वाज लाइक लूजिंग इंटरेस्ट यार, अब मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। 3 साल की घंटा के बाद अब मेरे को मजा ही नहीं आ रहा भाई स्कूल में, किसी भी एक्टिविटीज में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। तो पढ़ाई के अलावा और कुछ बचा नहीं था, तो भाई मैं ना अच्छा स्टूडेंट बन गया, ठीक है, मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे आने लग गए, मैं टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया। एंड गेस व्हाट, 10th क्लास में वो फिर से सेम स्कूल में आ जाती है जब पढ़ाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये फंस गया। जिस क्लास को टीचर नॉर्मल क्लास की तरह नहीं राक्षस के जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। बोर्ड्स आगे तुम्हारे, तुम्हें बस पढ़ना है, सुबह किताबों में उठना है, रात को किताबों में सोना है, पढ़ना है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो जिंदगी झंड हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, जादू तुम्हें अपने प्लेनेट पर ले जाके शकीरा के जैसे नचाएगा। अगर 90% से कम आ गए तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है, मर जाओ, फिनाइल पी लो, हार्पिक पी लो, नरक के अंदर उबलते हुए तेल में ऐसे ऐसे तले जाओगे अगर मार्क्स कम आ गए तो। दिमाग खराब मत कर। लेकिन तुम्हारे भाई को तो प्यूबर्टी हिट हो रही थी, हार्मोन कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे थे, ऊपर से वो भी काफी क्यूट हो गई थी यार। तो मैंने कर दिया प्रपोज भाई, साल के शुरू में कर दिया। वेल डन। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी रिलेशनशिप और एक अच्छे स्टूडेंट का डाउनफॉल, क्योंकि वो थी पढ़ाई में 0/0 और उसको बताने के लिए मैंने कितनी बार मार खाई है यार। लाइक मुझे ना अपने नोट्स और नोटबुक कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा भाई रिलेशनशिप में था, उसकी गर्लफ्रेंड थी एक, तो वो इतनी क्यूट थी ना यार, ऊपर से ऐसे बेबी फेस बना के हेल्प मांगती थी ना, मैं गीगा चट मिस्टर मीमर भी पिघल जाता था। मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, वो मेरी नोटबुक लेके चली जाती थी, 2 दिन तक स्कूल नहीं आती थी और टीचर मुझे गिरा गिरा के कुत्ता बना के कूटता था, रेलम पट्टी बना देता था। स्टिल वो 2 दिन बाद स्कूल आके बोलती थी कि बेब्स मुझे तो तुम्हारी राइटिंग इतनी समझ नहीं आई, पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक अब जिसको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती वो मेरी फीलिंग्स को क्या ही समझेगी। फिर ऐसे ही चलता रहा भाई, मैं जो कर सकता था ना मैंने किया, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे मैंने, हर जगह उसकी मैंने हेल्प करी थी और खुद मार खा के भी उसको बचाया था मैंने, फिर भी ये एक तरफ के एफर्ट्स वाला फोर्सफुली रिलेशनशिप चलता रहा भाई। उसके ना 75% से ज्यादा मार्क्स आए थे। फिर 11th में ना हम दोनों ने अलग अलग स्ट्रीम ले ली थी, मैंने ली थी साइंस, उसने ली थी आर्ट्स। सो दिस टाइम शी डोंट नीड मी एंड शी डिस्ड मी। उसने पता है मेरे को क्या एक्सक्यूज दिया ब्रेकअप के टाइम, माय मॉम डोंट वांट अस टू टॉक एनीमोर, लेकिन हम ना अभी अच्छे दोस्त बन के रह सकती हैं। अरे नहीं बनना है मुझे दोस्त तेरा यार, दोस्त तू अच्छी है भी नहीं। प्यार हुआ, रिलेशनशिप हुए, कमिटमेंट हुए, नहीं जमा छोड़ दिया, समझ आता है। 2 साल से दोस्ती निभा रहा हूं, तेरा ख्याल रख रहा हूं, तूने पूछा है कभी? लेकिन 2 बार। क्या अभिलाष कैसा है, कुछ हुआ क्या, तेरा मूड क्यों ऑफ है? तू भी ये जानते हुए कि बनना कितना सीरियस है। तुझे फ्री की दोस्ती मिली तूने रख ली, तो जब मन किया बुलाया, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया फिर बुला लिया। तुम दिन में 10 बार आई लव यू कहती थी, इन्फैटुएशन कैसे था? ये इन्फैटुएशन मुझे नहीं समझ आता है तारा, फिर से कोशिश करते हैं ना। तुम बोर नहीं होगी मुझसे, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा इन्फैटुएशन नहीं होगा। ऐसे कैसे हो रहा, तूने बोल दिया तो इट्स ओवर, मेरी फीलिंग से क्या ठीक तो हो जाएगा ना, लाइक बहुत अजीब सा लगता है कभी कभी।
तू होगी भी नहीं होता, हम एक साथ तो रह पाएंगे ना। यार ये क्या बात हुई यार, जब मैं टेंथ में तेको मार खा के बचा रहा था तब तेरी मोम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने। एंड नाउ यू डोंट नीड मी, अब तेरी क्लास में वो वेनी हैंड्स वाले मस्कुलर बॉडी वाले लड़के भी होंगे ना। मेरे को खुद पे इतना गुस्सा आया था ना भाई, मेरी आंखों पे पट्टी बंद गई थी क्या? आई वाज ब्रोकन ट्रिलियन पीसेस ब्रो, मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं कोई प्रोडक्ट हूं जिसकी जरूरत खत्म हो गई तो यूज करके फेंक दिया।